कब्रिस्तान की दो साइड है, एक ये साइड और एक ये साइड है। ये कब्र खुली हुई है तो इसी कब्र में एक से ज्यादा मुर्दे दफनाते हैं, तो तकरीबन 3 साल के बाद दोबारा इस कब्र के अंदर एक और मुर्दा उठा दिया जाता, दफना दिया जाता है, इसको फिर बंद कर देंगे, फिर 3 साल के बाद दूसरा मुर्दा यहाँ दफन किया जाएगा, उसको इसी के नीचे कर देंगे और उसके बाद इसी तरह ये खुली हुई कब्रें, और साल में एक बार इस कब्रिस्तान में एक मुर्दे दफनाए जाते हैं, जिसका नंबर आ जाए, जिसका नसीब हो, वो इस कब्रिस्तान में दफन हो जाता है। यहाँ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र मुबारक है, जहाँ सारे लोग खड़े हैं, अंदर जाने नहीं देते, बंद है ये, लॉक लगा हुआ, सब बाहर से ही दुआ कर रहे हैं। और यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे के भी कब्र मुबारक है। और ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन, पहली खातून जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनका मकबरा। और यहीं तो ये बंद होते हैं, यहाँ अंदर किसी को नहीं जाने देते, कब्रिस्तान में अंदर आने और जाने का रास्ता, वो सामने से आने का रास्ता, वो कब्रिस्तान में एंटर होने का रास्ता, वो सामने पानी की बोतलें रखी हैं।